लॉकडाउन के दौरान हांसी में सोशल जस्टिस फाउंडेशन ट्रस्ट जरूरतमंद लोगों तक खाना पहुंचाने का काम कर रही है। ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष दलजीत सिहाग ने बताया कि बीती 9 तारीख से उनकी ट्रस्ट लोगों तक खाना पहुंचाने का काम कर रही है, लेकिन अब कुछ दिन से ट्रस्ट जरूरतमंद लोगों को सूखा राशन पहुंचाने का काम कर रही है। दलजीत सिहाग ने कहा कि उनकी ट्रस्ट का मकसद है कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे और सभी लोगों को इस संकट की घड़ी में गरीब लोगों की सहायता करनी चाहिए। पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को राम राम करना चाहता हूँ। जो हमारी भोजन व्यवस्था का चल रहा है, हमारी संस्था 9 तारीख को शाम से शुरू किया था, हमने भंडारा लगाया था और SDM साहब ने जो हमें ड्यूटी सौंपी, जो वार्ड सौंपे, उन वार्डों पर हम लगातार खाना पहुँचा रहे हैं। उसके बाद अब नई ड्यूटी लगाई गई है और ड्राई खाना पहुँचाया जाएगा, मतलब पके हुआ बंद कर दिया। कुछ ही स्थानों पर पका हुआ खाना पहुंच रहा है जहां पकाने की व्यवस्था नहीं है, वरना तो हर जगह हमारी सोशल जस्टिस फाउंडेशन ड्राई खाना पहुंचा रही, ताकि आप अपने हिसाब से जो भी जिस व्यक्ति को हम खाना दें अपने हिसाब से पका के खा सके। नहीं, ये हमारी ट्रस्ट है, सोशल जस्टिस फाउंडेशन एक ट्रस्ट है, उसके हम कई ट्रस्टी हैं और सभी ट्रस्टी और जो हमारा भाईचारा है, जैसे कि हमारे साथ लीला यादव है, राजेश पंडित जी है, करमवीर है, दीपू है, प्रदीप है, गजेंद्र है, अनिल है, अमित है, टीकाराम पंडित जी हैं, विनोद शर्मा जी हैं, काला दयानंद वाला है हमारे भाई, और मतलब है हमारा सर्कल है 50-60 लड़कों का जो इसको सारा संभाल रहा है, चाहे वह फाइनेंशियली मदद हो या फिर सेवा की मदद हो। हाँ, हमारी संस्था कई गांव में कर रही है, जैसे कि हमारे एक रजबाया बन रहा है गांव से परली साइड, तो वहाँ कुछ मजदूर आए हुए हैं, कुछ मजदूर गांव की इसमें पानी की डिग्गी में काम करने के लिए बिहार से आए हुए हैं, उनको भी लगातार, और कई जैसे कि गांव के बाहर किसी भी गांव में अगर लगे कि हाँ है यही एरिया जो हमारे गाँव की साइड का एरिया, इसी एरिए में फिलहाल खाना हम प्रोवाइड करा रहे हैं।